नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अभी अचानक पार्टी दफ्तर पहुंचे हैं। अपनी जो टीम है तेजस्वी यादव की, जिन नेताओं के साथ अक्सर देखने को मिलता है, जिन नेताओं के साथ हर जगह तेजस्वी यादव दिखते हैं, भोला यादव की बात कर ली जाए, शक्ति यादव की बात कर ली जाए, या फिर बात कर ली जाए आलोक मेहता की, तमाम जो अपने नेताओं के साथ पार्टी दफ्तर अभी अचानक से पहुंचे हैं और अंदर जो पार्टी दफ्तर के अंदर उनका जो कैबिन है तेजस्वी यादव का, उसमें बैठकर अभी मीटिंग चल रही है। बता दी कि कई मायने में मीटिंग महत्वपूर्ण इसलिए मानी जा रही है, बाढ़ जैसी समस्याओं के बीच बिहार की जनता त्राहिमाम है। और दूसरी तरफ जगदा बाबू पिछले कई दिनों से पार्टी दफ्तर नहीं पहुँच रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, तेजस्वी यादव जो है थोड़ी देर पहले जो है पार्टी दफ्तर पहुँचे हैं। अपनी इन तेजस्वी यादव की गाड़ी आपको सामने दिखाई दे रही होगी। हालांकि इसमें कई नेता नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण जो भोला यादव की बात कर ली जाए और आलोक मेहता की बात कर ली जाए, सुनील सिंह जो MLC हैं, वो सभी लोग पार्टी दफ्तर पहुँचे हैं। और पार्टी दफ्तर पहुँच कर पिछले आधे घंटे से उन लोगों की मीटिंग चल रही है। मीटिंग को लेकर हमने बताया कि कई महत्वपूर्ण बातें से जुड़ी हुई है, जगदा बाबू से जुड़ा हुआ है और बाढ़ जैसी समस्याओं के बीच बिहार जूझ रहा है उसको लेकर। हालांकि जब बातचीत हो रही थी तो जब JDU को लेकर सवाल किया गया कि कल जिस तरीके से RCP सिंह पटना पहुंचे, पोस्टर्स लगे, स्वागत हुआ, तो उन्होंने कहा कि तमाम जिस तरीके से तस्वीर सामने आई, प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाती हुई दिखी गई और साफ तौर पर लुकरबाजी भी हुआ सड़कों पर, जिस तरीके से लुकरबाजी हुआ, कई बातें उन्होंने कही। हालांकि जब ऑन कैमरा बातचीत होने की कोशिश की तो वो बहुत कुछ बोलने से हट रहे थे। लेकिन फिलहाल बता दें कि यह बैठक जो है पार्टी के कार्यालय में पहली बैठक है जब प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह मौजूद नहीं है। इस बैठक में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद हो सकता है कि जगदा बाबू को लेकर भी कोई फैसला हो सकता है। जिस तरीके से जगदा बाबू को लेकर कहा जा रहा है कि जगदा बाबू काफ़ी दिनों से नाराज़ हैं, तेज प्रताप की बयानों को लेकर काफ़ी ज़्यादा आहत हैं, और यह बैठक पार्टी कार्यालय में चल रही है, जगदा बाबू इस बैठक में नहीं है, वो नाराज़ हैं, वो अपने घर पर हैं, लगातार मनाने की कोशिश की जा रही है RJD की तरफ से, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। हालांकि बीते दिन जब एक नेता से बात हो रही थी, RJD के बड़े लीडर है, तो उन्होंने कहा कि अब किसी भी वक्त फैसला हो सकता है कि तेज प्रताप यादव को माफ़ी मांगनी पड़े, ऑफिशियली आके तेज प्रताप यादव माफ़ी मांगेंगे, तब जगदा बाबू पार्टी दफ्तर आएंगे। अब पार्टी में जगदा बाबू की अहम भूमिका है, जिस तरीके से अच्छा प्रदर्शन किया बीते विधानसभा चुनाव में, लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से अनुशासन पार्टी में स्थापित किया जगदा बाबू के नेतृत्व में, और पार्टी ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, इसको लेकर जगदा बाबू की भूमिका RJD में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एक पिलर के तौर पे हैं जगदा बाबू, और जगदा बाबू इस बैठक में नहीं है। अब समय बताएगा आने वाले समय कि क्या कुछ होता है जगदा बाबू को लेकर, क्या मानेंगे या नहीं मानेंगे। और जो बातें चल रही है कि RJD छोड़कर BJP में चलेंगे, तो ये सारी बातें वो हवा में बात करें जैसा है, क्योंकि उम्र के अंतिम पड़ाव में है जगदा बाबू, ऐसे में वो इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जगदा बाबू पूरी उम्र जो है RJD के साथ बिताए हैं और ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते। समाजवादी नेता हैं, मुखर नेता हैं, आज तक उन पर एक दाग नहीं लगा है। इसको लेकर कई मायने में जो बैठक चल रही है पार्टी दफ्तर के अंदर, आप तस्वीर देख रहे होंगे, पार्टी दफ्तर है, यहाँ पर तेजस्वी यादव, आलोक मेहता, सुनील सिंह की जो बैठक है वो पिछले आधे घंटे से चल रही है। जगदा बाबू इस बैठक में नहीं है। चलिए, इस बैठक के बाद क्या कुछ होगा, हम बातचीत करेंगे तेजस्वी यादव से, बैठक में क्या कुछ हुआ और जगदा बाबू को लेकर क्या अपडेट है, हम आपको बताएंगे। देखते रहे हेडलाइंस बिहार। नमस्कार।